यहाँ का पार्किंग तो इतना बड़ा तो नहीं है बट क्वाइट गुड। इंटर करने के बाद तो कुछ अच्छा व्यू दिखा है मुझे। ये यहाँ का बार है, ये एक्चुअल में रात में काफ़ी खूबसूरत दिखती है लाइटिंग्स के वजह से। इनका एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। काफ़ी तगड़ा बारिश हो रहा है। घर कैसे जाओगे? सो गाइज, अभी हम लोगों ने जीएम से बात की है तो जीएम कह रहे हैं कि यहाँ पर परमिशन नहीं है, वीडियो आप शूट नहीं कर सकते। हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज है संडे तो हम लोग अपने वीकेंड को इंजॉय करने के लिए निकले हैं। एंड वीकेंड को इंजॉय क्या करेंगे, जैसे ही घर से बाहर निकला बारिश स्टार्ट हो गई और हमारा प्लान था कि रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करें। तो फ़िलहाल तो हम लोग वेट कर रहे हैं बारिश रुकने की, तो देखते हैं जैसे ही बारिश रुकती है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड काफ़ी खूबसूरत रिजॉर्ट है, वहाँ के एम्बियंस की अगर मैं बात करूँ या फिर वहाँ के व्यू की बात करूँ तो काफ़ी खूबसूरत बनाया उन्होंने। तो लेट्स सी, व्हेन रेन स्टॉप वी विल प्रोसीड। सो गाइज, फाइनली वी रीच्ड रिवा रिजॉर्ट एंड ये है यहाँ का पार्किंग। तो इतना बड़ा तो नहीं है बट क्वाइट गुड। एंड दिस इज़ द रिजॉर्ट, इसे आगे से भी दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज समथिंग गुड। हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड एंड एक्सप्लोर करते हैं आउटर एरिया को, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है यहाँ पर। एंड ये कुछ व्यू है यहाँ के, अच्छा है ना? रेस्टोरेंट इस तरफ है, चलते हैं। तो बारिश होने के कारण यहाँ पर कुछ चीज़ें वर्क में हैं। दिस इज़ अ रेस्टोरेंट, ये यहाँ का बार है। रात के वक्त में यहाँ का एम्बियंस थोड़ा सा अच्छा होता होगा। एंड सामने की तरफ ये नज़ारे, ये एक्चुअल में रात में काफ़ी खूबसूरत दिखती है लाइटिंग्स के वजह से। इनका एम्बियंस काफ़ी अच्छा है तो हम लोग वेट करेंगे अंधेरा होने का। एंड यहाँ पर आप अपनी तशरीफ़ रख सकते हैं, तो ये बैठने के इंतज़ाम है। एंड बारिश होने की वजह से काफ़ी कुछ थोड़ा सा बिखरा पड़ा है एंड डीजे वगैरह सारा कुछ ढाक के रखा है इन्होंने। एंड दिस इज़ आई थिंक रेस्टोरेंट और रूम्स फॉर द स्टाफ। एंड ये भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कुछ फैमिलीज यहाँ पर दिख रही है। तो स्वीटू, ओवरऑल कैसा लग रहा है आपको? मिशू, यू लाइक द पूल? ओके, तो चलिए गाइस थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, हम लोग देखते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, अभी हम लोगों ने जीएम से बात की है तो जीएम कह रहे हैं कि यहाँ पर परमिशन नहीं है, वीडियो आप शूट नहीं कर सकते। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनका अपना रूल्स होता है, हर एक रिजॉर्ट की अपनी पॉलिसी होती है। तो नो वरीज, वी विल ट्राई टू गेट सम वीडियोज़ फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। सो आई हैव माई फ़ोन विथ मी, सो इन्जॉय द म्यूज़िक एंड आपको यहाँ के एम्बियंस भी दिखाता हूँ मैं। सो अभी से गोप्रो बंद एंड मोबाइल ऑन। सो गाइज, ये है इनका प्रॉपर्टी एंड यहाँ पर एक झूला लगा रखा है इन्होंने जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड मिशू को देखते हैं। एंड मौसम भी आज काफ़ी खूबसूरत हो रखा है तो इट्स लुक गुड। तो गाइज, हमने परमिशन ले ली है, उन्होंने कहा है कि मोबाइल से आप शूट कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, बस आपको कैमरा अलाउड नहीं है, जैसे गोप्रो हो गया, DSLR हो गया। कुछ इनका अपना पर्सनल रिव्यू होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी, तो हर एक जगह की अपनी एक पॉलिसी होती है। तो वी आर फाइन विद दैट, वी विल ट्राई टू कैप्चर ऑल द व्यू ऑल द एम्बियंस फ्रॉम माई फ़ोन। क्योंकि अभी के टाइम में हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। एंड सामने की तरफ ये दलमा, दिस इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ दिस सिटी। मिशू, झूला झूलेंगे बेटा? बारिश होके सब की चैन हो रखा है, देख रहे हर जगह पानी है। इधर से आइए,
एंड मिशू एंजॉय कर रही है झूले को, मम्मा बैठना नहीं चाह रही है पता नहीं क्यों, आप भी बैठो ना। ओके ओके, एक्चुअली कपड़े ख़राब हो जाएंगे, नो वरीज, फिर कभी एंजॉय कर लेंगे। एक्चुअली बारिश हो गई, सारा मज़ा किरकिरा हो गया है। एंड मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये मैदान, ये पूरा पानी से भर चुका है, ऐसे तो पता नहीं चल रहा है लेकिन ये पूरा पानी से भर चुका है। तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं एंड देखते हैं अंदर के नज़ारे कैसा है। A few moments later. इस तरीके का मेन्यू है इनका, देखते हैं क्या ऑर्डर कर सकते हैं। मिशो ने ऑर्डर किया है आइसक्रीम एंड इसे पिज़्ज़ा खाना था। तो कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किए बेटा? आइसक्रीम का वेट कर रहे हैं। एंड मम्मा आपने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। गाइज आप लोग कमेंट करें, देखें कितना दुबला गए हैं। हम लोग 25% फैट लेके घूम रहे हैं और मैडम का 5% फैट है। सो मिशू का आइसक्रीम आ चुका है एंड शी इज एंजॉयिंग। टेस्टी बेटा मिशू, टेस्टी। ऑल राइट मिशू हैप्पी। तो गाइज हमारा पिज्जा आ चुका है एंड मिशू स्टार्ट भी कर चुकी है। टेस्टी बेटा, एंड मम्मा इज ऑल्सो स्टार्टेड। सो चलिए गाइज पहले फूड को फिनिश करते हैं एंड आपसे मिलते हैं। टेस्ट स्वीटो, अच्छा है। इट्स हॉट पिज्जा जो हम लोग मंगाते हैं। अच्छा, तो आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग दोगे आप? 10 of 10? ओ माय गॉड, तो टेस्ट करना बनता है गाइस। सो गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ के रिव्यू की, तो फूड का रिव्यू तो मैं दूंगा ही, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी बेहतरीन रहा एंड जो यहाँ के एम्बियंस है, जो यहाँ के स्टाफ बिहेवियर, वो काफ़ी बेहतरीन है। एंड फूड्स वगैरह में भी मैंने देखा, जैसे मैं जब यहाँ इंटर किया था तो बारिश हो रही थी एंड बारिश के बाद सारे लोग मिलकर पूल को क्लियर कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें मतलब हमारी सिटी में काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। तो आप लोग देख कर बताएं कैसा आपको लगा एंड आपका कमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट सर है हमारे लिए, तो कमेंट करके बताएं कि ये जगह आपको कैसी लगी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट फ्रेड्स वेट फॉर फूड एंड वंस आई गेट फूड सो आई विल शो यू। सो मम्मा पिज़्ज़ा खा नहीं पा रही है, ट्राई कर रही है एंड आइसक्रीम भी आ रखा है हमारा। तो चलिए गाइस आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं एंड मिलते हैं उसके बाद। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है एंड काफ़ी तगड़ा बारिश हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता हूँ, आप सिर्फ साउंड सुनो। मिशू घर कैसे जाओगे? हाँ थोड़ा लेट होने दें। सो गाइस मिशू तो वेट करने के लिए तैयार है। तो वी ऑलरेडी डन विथ आवर फूड एंड वी आर वेटिंग फॉर द बिल। तो मैम आ चुकी हैं बिल लेकर, थैंक यू मैम। देखते हैं बारिश का क्या हाल है। ओह माय गॉड काफ़ी तेज है भाई। तो गाइस यहाँ पर करते हैं हम लोग अपने वीडियो को एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर मैं बात करूँ रिव्यू की, तो यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी डिलीशियस था एंड अपार्ट फ्रॉम इट लाइक अगर मैं बात करूँ स्टाफ बिहेवियर की और हाइजीन की, तो ये काफ़ी बेहतर है यहाँ पर। एंड जो लोग जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं वो लोग यहाँ स्टे कर सकते हैं और इट्स अ वेरी गुड रिजॉर्ट। एंड जो लोग बाहर से आते हैं लाइक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, तो दे कैन इजली फाइंड दिस प्लेस बिकॉज ये नेशनल हाईवे NH-33 पर है जोधपुर। सो चलिए गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अभी भी बारिश बंद नहीं हुई है, बट आपको दिखाना था ये नज़ारा। तो ये है यहाँ का बार, माय ब्यूटीफुल क्वीन नहा धो के रेडी। तो गाइज कमेंट करके बताएं मेरी रानी आपको कैसी लगी। पूरा साफ सुथरा हो चुका है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीछे का नहीं दिखाया था, पीछे भी कुछ ग्राफिक्स करवाया है मैंने। एंड आप देख सकते हैं, तो मिशु और मम्मा आ चुकी है। तो चलिए गाइस घर निकलते हैं।